नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित वर्मा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए 2 सितंबर का दिन काफी महत्वपूर्ण रह सकता है, क्योंकि जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो जिस मैच को देखने का इंतजार कर रहे हैं वो मैच 2 सितंबर को श्रीलंका के कैंडी के पैलिकली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होगा और दोनों ही देशों के बीच में जो क्रिकेट की ये राइवलरी है, इस राइवलरी पर जीत हासिल करने के लिए दोनों ही देश अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य आत्रे मौजूद हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाले मुकाबले को लेकर कुछ चर्चा करेंगे, हेड टू हेड दोनों ही टीमों की पोजीशन की बात करेंगे। इसके साथ ही एशिया कप में कौन सा शेर भारी पड़ता है इस पर भी चर्चा करेंगे। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदित्य। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला एक ऐसा मुकाबला जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। बिल्कुल, पिछले वर्ल्ड कप में आपने देखा था, T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में था, किस तरह से जो रोमांच था उसकी हदें पार हो गई थी। विराट कोहली की वो बैटिंग शायद कोई भूल नहीं पाएगा, जिस तरह से विराट कोहली ने उस मैच में प्रदर्शन किया था, बैटिंग की थी, और कुछ ऐसा ही जो 2 सितंबर को मुकाबला खेला जाएगा एक बार फिर। देखिए, खास बात यह है, T20 मुकाबलों में कई बार ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी है, लेकिन मैं सोचता हूँ 2018 या 19 के बाद, एक लंबे समय के बाद, जो वनडे फॉर्मेट है वो इन दोनों टीमों के बीच में खेला जाएगा। काफ़ी रोमांचक मुकाबला यहाँ हो सकता है। बारिश के हालांकि चांस पूरे पूरे बताए जा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट प्रेमी चाहेंगे कि जो बारिश है वो नहीं हो, क्योंकि एक बेहतरीन मुकाबला हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच देखने को मिलता है। और देखिए, अगर बारिश होती है और ओवर घटा दिए जाते हैं तो फिर एक बार फिर T20 का रोमांच अपने चरम पर। भारत और पाकिस्तान के बीच में ओवर की लिमिटेशन बाधा नहीं बनती है, बिल्कुल, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, रोमांच है भारत पाकिस्तान के मुकाबले का, वो अपना चरम पे रहता है। आदित्य, आपने T20 की बात की थी, विराट कोहली की शानदार पारी और अश्विन का वो चौका, वो कोई नहीं भूल सकता रहा है, क्योंकि जो पिछले मुकाबले में उनको हार मिली थी 10 विकेट की, वो बहुत बड़ी हार थी, भारत को चुभ रही थी। वो एशिया कप ही था शायद, मुझे याद हो, वर्ल्ड कप था, वो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप ही था, T20 वर्ल्ड कप था, जिसमें 10 विकेट से भारत को हार मिली थी और काफी देखिए चुभन थी उस मैच की, तो वो हमने निकाल ली थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कल जो एक बहुत अच्छा मुकाबला है वो जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सब कुछ यहाँ पर बातें करेंगे कि क्या अभी तक रिकॉर्ड रहा है दोनों ही टीमों का एशिया कप में, वनडे फॉर्मेट में अभी तक किस तरह से दोनों टीमें आमने सामने हुई है, क्या रिजल्ट निकले हैं, इन सभी मुद्दों में बात करेंगे। इसके अलावा कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं, चाहे टीम इंडिया की बात करें या फिर पाकिस्तान की बात करें, जो दोनों ही टीमों के लिए काफी जो है एक भारी पड़ने वाले हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भारतीय टीम की। ललित, क्या लगता है आपको भारतीय टीम? देखिए, जिस तरह से अभी वेस्ट इंडीज का दौरा था, T20 में हमें हार मिली थी, हालांकि वनडे हमने जीता था, लेकिन जो बैटिंग लाइनअप थी उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे उसके अंदर, तो क्या कुछ माना जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत की टीम है वो किस तरह से खेलेगी? बिल्कुल आदित्य, अगर भारतीय बैटिंग लाइनअप की बात की जाए, देखिए बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंड, वेस्ट इंडीज़ की अगर बात की जाए तो कुछ खिलाड़ी इंजरी से जूझ रहे थे और टीम मैनेजमेंट ने भी जो यंग टीम है उन पर भरोसा जताया था। कल जो मैच होगा, यानी कि कल 3 बजे जिस रोमांच की शुरुआत होगी, तो आपको बता दें कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, इसके साथ ही श्रेयस अय्यर वापस से टीम में कमबैक कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि कल वो टीम में उतरते हैं या नहीं। ईशान किशन है, हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा है, इन पर काफ़ी नजरें रहेंगी। देखिए, एशिया कप की अगर बात की जाए तो एशिया कप में विराट कोहली, रोहित शर्मा का जो प्रदर्शन है वो निरंतरता बनाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे चलते हैं, और जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो हर खिलाड़ी लगता है स्टार है। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर गेंदबाजी आक्रमण की, तो गेंदबाजी आक्रमण में शार्दुल ठाकुर है, कुलदीप है, अक्षर पटेल है, प्रसिद्ध कृष्णा है। हालांकि इस एशिया कप में भारत 2 सितंबर को अपना पहला मुकाबला खेलेगी, पाकिस्तान अपना पहला मुकाबला नेपाल के खिलाफ खेल चुकी है, रिदम में वो आ चुकी है, उसने अपने इस टूर्नामेंट का आगाज कर दिया है। भारत अपना पहला मुकाबला, देखिए जो ग्रुप है उसमें 3 टीमें हैं, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। कल का मुकाबला भारत और पाकिस्तान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, नेपाल एक मुकाबला हार चुकी है। ऐसे में बैटिंग की अगर बात की जाए तो एक नाम है सूर्य कुमार यादव,
क्या सूर्य कुमार यादव इस टीम में जगह बना सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ललित आपने अच्छा प्रश्न किया है। यहाँ पर सूर्य कुमार तो टीम में लेकर लगातार चर्चाएं भी चल रही थी, वो टीम में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन मध्यम क्रम के अंदर बल्लेबाजी की अगर बात की जाए, देखिए फर्स्ट डाउन विराट कोहली और रोहित शर्मा बतौर कप्तान बतौर ओपनर यहाँ पर उतरने वाले हैं, और उनके साथ ओपनिंग में भूमिका कौन निभाएगा? शुभमन गिल शायद, मुझे लगता है शुभमन गिल ही वहां पे आएंगे, और फर्स्ट डाउन जो है विराट कोहली वहां पर उतरेंगे चौथे नंबर पे। क्योंकि देखिए श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार की हम बात कर रहे हैं तो केएल राहुल पूरी तरह से फिट नहीं है, तो अगर केएल राहुल टीम में होते तो फिर एक संदेह खड़ा हो सकता था कि फिर आप श्रेयस अय्यर या सूर्य कुमार यादव दोनों में से किसे चुनेंगे, लेकिन केएल राहुल टीम में नहीं है तो ऐसे में अब जो सीधे सीधे है कि श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव दोनों टीम में खेलेंगे, और बतौर ईशान किशन है वो विकेट कीपर की भूमिका नजर। क्या टीम प्रबंधन तिलक वर्मा को आजमा सकता है? देखिए तिलक वर्मा ने आईपीएल में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, हाल ही में आयरलैंड भी शायद वो गए थे तो वहां भी उन्होंने अच्छी लास्ट की पारी उन्होंने खेली थी, लेकिन एक बहुत बड़ा मैच है तो आप सीधे सीधे क्योंकि देखिए आप सूर्य कुमार काफी अनुभवी है, ईशान किशन काफी अनुभवी है, दूसरा जो श्रेयस अय्यर है वो काफी अनुभवी है, तो तीनों खिलाड़ी काफी अनुभवी है, तो शायद इस मैच में किसी भी तरह का रिस्क लेना बहुत खतरनाक हो सकता है टीम मैनेजमेंट के लिए, तो मैं मानता हूँ कि सीधे तौर पर जो है सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर हम तीनों को। श्रीलंका के पिच की अगर बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह इसके साथ ही मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर की टीम में लगभग जगह पक्की नजर आ रही है। देखिए मैं अगर श्रीलंका में मैच हो रहा है तो मैं अगर मेरी टीम चुनता तो उसमें स्पिनर्स को जगह देता। देखिए बुमराह मेन रीढ़ की हड्डी है भारतीय गेंदबाजी की इस समय, तो उसके साथ शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं, लेकिन भारत को शार्दुल ठाकुर या सिराज में से खेलेंगे, लेकिन क्योंकि जो बुमराह है जो हार्दिक पांड्या है वो बॉलिंग कर रहे हैं तो एक फास्टर की जो कमी है, बुमराह शमी और सिराज में से एक को बाहर बैठना पड़ सकता है। बिल्कुल एक को बाहर बैठना पड़ेगा, और टीम को दो प्रोफेशनल स्पिनर्स के साथ, हालांकि रविंद्र जडेजा है तो अक्षर पटेल और आप कुलदीप यादव के साथ टीम में उसके साथ जरूर जाएंगे, तो एक बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक, पाकिस्तान इसी पे मैं आ रहा हूँ, बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का शाहीन शाह अफरीदी है, रऊफ है, नशीम शाह हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, शादाब खान स्पिनर का जिम्मा संभाल रहे हैं, भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा पाकिस्तान के तेज गेंदबाज ले सकते हैं। देखिए श्रीलंका भारत के पिच हो चाहे श्रीलंका के पिच हो चाहे पाकिस्तान के पिच हो, आमतौर पर हम देखते हैं कि पेसर्स को इतनी मदद नहीं मिल पाती है, क्योंकि अगर T20 ये मुकाबला होता तो हम एक बार में 3 से 4 फास्टर्स अपन टीम में रख सकते हैं, टीम मैनेजमेंट रख सकता है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि पाकिस्तान भी चाहेगा कि उनके कम से कम आदित्य अगर पिछले दो मैचों की बात की जाए, पथी राणा ने शानदार गेंदबाजी की, शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी गेंदबाजी की, अगर शादाब खान को छोड़ दें जिनके 4 विकेट लिए थे, इसके अलावा हर फास्ट बॉलर चला है। नहीं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझिए, एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है लेकिन भारत और पाकिस्तान के मुकाबले श्रीलंका में, तो श्रीलंका के पिचेस हमें पता है कि काफी डिफिकल्ट होती है उन पर खेलना, कल भी एक लो स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिला था, तो रन बनाना भारतीय पिचों पर वैसे तो अगर भारत की बात करें तो काफी आसान है, लेकिन श्रीलंका में रन बनाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो फखर जमा, इमामुल हक, बाबर आजम, रिजवान, एक आगा सलमान और इफ्तियार अहमद, देखिए काफी बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं, इमामुल हक काफी समय बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर वापसी कर रहे हैं, फखर जमान भी लंबे समय के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं, तो इन पे एक बहुत बड़ा दबाव रहने वाला है, हालांकि दोनों ही खिलाड़ी नेपाल के खिलाफ नहीं चल पाए थे, बाबर आजम ने बहुत शानदार पारी खेल के वहां पर सेंचुरी लगाई थी, हालांकि रिजवान भी हमने देखा था किस तरह से रन आउट हुए थे, बहुत दुखद रन आउट, लेकिन इफ्तिकार अहमद, और देखिए इफ्तिकार अहमद जो है टीम की रीढ़ की हड्डी है, जैसे हमारे पास हार्दिक पांड्या है तो उसी तरह से ये भी एक काफी अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका में यहाँ पर हो सकते हैं, और गेंदबाजी की तो हमने बात, नेपाल के खिलाफ इफ्तिकार अहमद का बल्ला जमकर चला था 71 गेंदों पे 109 रन तो वही मैं कह रहा हूँ कि दोनों ही टीम अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो बैटिंग में भारतीय टीम कहीं ना कहीं भारी नजर ऊपर है, बैटिंग में भारतीय टीम ऊपर है। हेड टू हेड की बात करेंगे, 1984 में एशिया कप की शुरुआत हुई थी,
लगभग 40 साल का समय होने जा रहा है, भारत और पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ही शानदार रहे हैं। हेड टू हेड क्या रहा है? देखिए, हेड टू हेड की बात करें तो अब जो पिछला, इससे पहले जो एशिया कप खेला जाता था वो वनडे फॉर्मेट में था, लेकिन कुछ समय बाद ये T20 फॉर्मेट में भी आया, लेकिन इस बार एक बार फिर से जो है ये वनडे फॉर्मेट में खेला जा रहा है और लगभग 13 मुकाबलों में एशिया कप में ये टीमें वनडे फॉर्मेट में आमने सामने हुई हैं। भारत का पक्ष हमेशा भारी रहा है इसके अंदर। भारत ने लगभग सात मैच यहाँ जीते हैं, सात मुकाबले जीते, 5 पाकिस्तान की झोली में गए और एक बेनतीजा हुआ है। श्रीलंका की बात करें तो अभी तक 3 मुकाबले, श्रीलंका में मतलब कोई टीम का नहीं है उसमें, तो भारत पाकिस्तान और ड्रॉ हाँ, उसमें 3 मुकाबले खेले गए अभी तक श्रीलंका में, तो एक भारत ने जीता, एक पाकिस्तान ने जीता और एक मैच ड्रॉ हुआ है यहाँ पर। तो ऐसा मतलब कुछ कह नहीं सकते कि श्रीलंका में कौन सी टीम कैसा प्रदर्शन करेगी यहाँ पर। लेकिन देखिए, अगर बात करें तो जैसे एशिया कप में जो भारतीय खिलाड़ियों हैं, अगर उनकी बात करें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, चाहे वीरेंद्र सहवाग, वो अपने ज़माने के काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर थे, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, इनका बल्ला हमेशा एशिया कप के अंदर यहाँ पर गर्जा है, जिसमें अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम के अंदर मौजूद है। तो दर्शकों को जरूर उम्मीद होगी कि एक बेहतरीन पारी है दोनों ही बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ खेलेंगे। दूसरी हम बात करते हैं अगर पाकिस्तान की, जिस तरह से बात करें तो देखिए शोएब मलिक काफ़ी सफल बल्लेबाज वहाँ रहे हैं, लेकिन शोएब मलिक अभी टीम में नहीं है। यूनिस खान भी काफ़ी सफल रहे, यूनिस खान भी अभी टीम में नहीं है। मोहम्मद हफीज़ अब ये वो स्टार खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को एक नई बुलंदियों तक पहुंचाया था, और अब इनमें से एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो फिलहाल टीम में मौजूद हो, लेकिन भारत के पास 2 ऐसे स्टार खिलाड़ी हैं जिनको एशिया कप का लंबा अनुभव है। गेंदबाजी की भी अगर हम बात करें तो रविंद्र जडेजा और इरफान पठान काफी सफल गेंदबाज अभी तक एशिया कप फॉर्मेट के अंदर, आदित्य सफल गेंदबाज रहे हैं। 2 सितंबर का दिन भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का, क्या 10 सितंबर को भी एक बार फिर से दोनों के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा? एक ये था कि अगर कल का मैच, अगर देखिए कल तो भारत पाकिस्तान खेल ही रहे हैं, तो भारत का फिर मुकाबला अगला मैच नेपाल से होने वाला है, तो मुझे लगता नहीं कि किसी तरह की कोई परेशानी होगी। अगर ये मुकाबला भी भारत जीत लेती है तो 10 सितंबर को एक बार फिर देखिए क्रिकेट का पिच है, यहाँ समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। देखिए नेपाल की बारिश, श्रीलंका की बारिश नहीं गणित को बिगाड़ सकती है। हाँ, वो हो सकता है कि अगर किसी तरह की कोई गणित यहाँ पर बिगड़ती है तो एक एक अंक मिल जाएगा, फिर देखना होगा। रन रेट भी यहाँ पर काफी मैटर करने वाली है आगे जाने के लिए, लेकिन रॉबिन राउंड मुकाबला नहीं है तो ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं। बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 2 सितंबर का दिन दोपहर 3 बजे भारत और पाकिस्तान दोनों ही आमने सामने रहेंगे। क्रिकेट के जो प्रेमी हैं उनको इस मुकाबले का बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान जब भी मैदान पर उतरते हैं तो अंदर तो लड़ाई होती है, बाहर भी जो दर्शकों का हुजूम है वो अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करता है। श्रीलंका में यानी कि न्यूट्रल वेन्यू पर ये मुकाबला होने जा रहा है। श्रीलंका की अगर बात की जाए तो यहाँ भारत और पाकिस्तान एशिया कप में 3 बार भिड़े हैं, जिसमें एक मुकाबले में भारत को, एक मुकाबले में श्रीलंका को जीत हासिल हुई है, तो वहीं एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि 2 सितंबर को जब ये दोनों ही टीमें मैदान में उतरेंगी तो कौन सी टीम किस टीम पर भारी पड़ती है। इसके साथ ही यदि 10 सितंबर को एक बार फिर से इन दोनों की टक्कर होती है तो एशिया का शेर कौन कहलाएगा, ये देखने में भी मजा आएगा। और ये जो क्रिकेट का माहौल है, जो एशिया कप में एक बार फिर से दोनों टीमें मुकाबला करने जा रही हैं, तो अब जो क्रिकेट का रोमांच है वह फिर से चरम पर पहुंचने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज।